प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड में क्लास 11th या फिर क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको पता है हर एक मंथ आपका बिहार बोर्ड से मंथली एग्जाम होता है, तो इस बार भी अक्टूबर मंथ का होने जा रहा है। लेकिन रूटीन जो है 11th का अलग दिया गया है और 12th का अलग, यानी कि जो एक साथ आपका एग्जाम होता था वो चेंज कर दिया गया है। मैं दोनों का रूटीन आपको बताऊंगा, वायरल पेपर कहाँ मिलेगा वो भी सिखा दूंगा, एंड इसका रूटीन वगैरह कहाँ से डाउनलोड करोगे सारा बताऊंगा। तो ये 11th का है पहले आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? और यहां पर देखोगे ये 12th का है, तो कब से कब तक दोनों का अलग अलग रूटीन है, मैं अच्छे से आपको समझा देता हूं, आप वीडियो में बने रहे ना, पहले समझ लीजिए। देखिए यहां पर लिखा गया रूटीन में मंथ अक्टूबर 2024 क्लास 11th, यहां पर आपको दिख रहा है ना। तो देखो, आपका जो पहला एग्जाम चलेगा, आपको रूटीन वगैरह पता है, 10 से 11.30 बजे तक प्रथम पाली में एग्जाम चलता है, सेकेंड में 12:45 से चलता है 2:15 तक, ठीक है? तो आप यहां पर देखो, जो आपका पहला एग्जाम चलेगा 17 तारीख को क्लास 11th के लिए, 17 अक्टूबर को चलेगा। इसमें साइंस के लिए आपका चलेगा फिजिक्स का एग्जाम, और कॉमर्स के लिए चलेगा इंटर्नशिप का, और आर्ट्स के लिए चलेगा, सॉरी आर्ट्स के लिए है हाँ, फिलोसफी का, ठीक है? इसके अलावा सेकंड सिटिंग में आपका जो एग्जाम चलेगा, इसमें चलेगा साइंस वालों का केमिस्ट्री का एग्जाम, कॉमर्स वालों का अकाउंटेंसी का, और आर्ट्स वालों का पोलिटिकल साइंस का। तो ये आपका और 17 तारीख का रूटीन रहा। इसके आगे देखिए, 17 तारीख के बाद जो आपका रूटीन है ये है आपका 18 तारीख का, 18 अक्टूबर के, ठीक है? तो 18 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम चलेगा ये आपका 11th के लिए पहले बता रहे, ठीक है? तो मैथ का साइंस वाले बच्चों का चलेगा, और IA के लिए यानी आर्ट्स वाले बच्चे भी लेते हैं तो उनका भी मैथ चलेगा। और सेकेंड सेटिंग में जो एग्ज़ाम चलेगा, इसमें साइंस वाले बच्चों का बायोलॉजी का चलेगा, कॉमर्स वाले का होम साइंस जो है ना बिजनेस स्टडी का, और आर्ट्स वाले बच्चों का ज्योग्राफी का। इसके अलावा आपका जो है 19 तारीख को जो एग्ज़ाम चलेगा, इसमें आपका साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट्स हो तो प्रथम पाली में आपका इंग्लिश का चलेगा, सेकेंड पाली में हिंदी का चलेगा, सारा का सेम रहेगा। और आगे देखिएगा 21 अगस्त के जो अक्टूबर के दिन जो चलेगा, इसमें उर्दू मैथिली इस प्रकार से सारा साइंस आर्ट्स दोनों का चलेगा, कॉमर्स सबका, और सेकेंड सेटिंग में चलेगा आर्ट्स वाले बच्चों का साइकोलॉजी का। इसके अलावा 22 अक्टूबर को जो एग्जाम चलेगा, इसमें साइंस वाले बच्चों का एग्रीकल्चर का, कॉमर्स का इकोनॉमिक्स, और आर्ट्स का भी इकोनॉमिक्स चलेगा, और सेकेंड सेटिंग में सोशोलॉजी का चलेगा। इसके अलावा 23 अक्टूबर को जो एग्जाम चलेगा, इसमें आप लोगों का हिस्ट्री का एग्जाम चलेगा, एंड आर्ट्स वाले बच्चों का म्यूजिक का एग्जाम चलेगा। साथ में 24 अक्टूबर को जो एग्जाम चलेगा, इसमें होम साइंस का एग्जाम चलेगा प्रथम पाली में। तो ये आपका था 11th का रूटीन। चलिए 12th का रूटीन अब हम आपको बताते हैं। तो 12th का रूटीन जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, मंथ अक्टूबर 2024 क्लास 12th है ना। तो इसमें प्रथम पाली देखिए, आपका जो एग्जाम चलेगा वही टाइम में शेड्यूल एक ही है, टाइम जो आपका प्रथम और सेकेंड पाली दोनों का सेम है। देखिए पहला एग्जाम जो साइंस चलेगा आपका 12th वाले बच्चों का, इनका एग्जाम चलेगा 21 अगस्त को, यानी कि सॉरी 21 अक्टूबर को, 21/10/2024 को चलेगा। प्रथम पाली में आपका फिजिक्स होगा, सेकेंड पाली में कॉमर्स वाले बच्चों का होगा इंटर्नलशिप का, आर्ट्स वाले बच्चों का पोलिटिकल फिलोसफी का, और उसी प्रकार से सारा है। और सेकेंड सेटिंग में चलेगा केमिस्ट्री का, और अकाउंटेंसी का, पॉलिटिकल साइंस का। और 22 तारीख को जो चलेगा, 22 अगस्त अक्टूबर के दिन, इस दिन मैथ चलेगा फर्स्ट पाली में, और सेकंड सेटिंग में बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी और ज्योग्राफी का चलेगा। और 23 अक्टूबर को जो चलेगा, हिंदी इंग्लिश सारा आपका सेम रहेगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबका प्रथम पाली में, और सेकेंड में हिंदी का चलेगा, ठीक है? सेकेंड फर्स्ट में इंग्लिश का और सेकेंड में हिंदी का। इसके अलावा आपका जो 24 अक्टूबर को एग्जाम चलेगा, इसमें आप देख सकते हो साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट हो तो इस प्रकार से आपका उर्दू वगैरह सारा सब्जेक्ट रहेगा, और सेकंड सेटिंग में साइकोलॉजी का चलेगा। और 25 जो है ना अक्टूबर को जो एग्जाम चलेगा, इसमें आप लोगों का एग्रीकल्चर का चलेगा, इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स का, और आर्ट्स वाले बच्चों का सेकंड सेटिंग में सोशोलॉजी का। और 26 अक्टूबर के दिन जो चलेगा, साइंस वाले आर्ट्स वाले बच्चों का हिस्ट्री का एग्जाम चलेगा, सेकेंड सेटिंग में म्यूजिक का। और 28 अक्टूबर को उस दिन आपका होम साइंस का एग्जाम चलेगा। तो ये रूटीन था, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आई होप समझ में आया होगा। चलिए इसका रूटीन डाउनलोड कहाँ से करना उसे कटो, इसके लिए आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर ओपन करके डाउनलोड करना होगा। चलिए मैं आपको फटाफट से सिखा देता हूँ, वायरल पेपर सारा इसी चैनल पे अपलोड हो रहा है, तो तैयारी है आप लोग, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ो। तो रूटीन डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा, सर्च बार के पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर आपको जो है ना गूगल में आकर के सर्च कर लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने जो है आप देखेंगे, तो एक बार क्लास 11th यहाँ पर देखो, क्लास
क्लास इलेवंथ है, ट्वेल्थ है, ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर देख लो, क्लास ट्वेल्थ अक्टूबर मंथली एग्जाम, क्लास इलेवंथ अक्टूबर मंथली एग्जाम, ये रूट पेपर है, आप डाउनलोड कर सकते हो। नीचे यहाँ पर देखो, क्लास इलेवंथ ट्वेल्थ अक्टूबर एग्जाम, दोनों का सेम रूटीन रहेगा, तो रूटीन आप किसी भी सेशन से कर लेना। हम फिलहाल करते हैं आर्ट्स जो इलेवंथ वाले में। यहाँ पर आकर के पेज वगैरह को रिफ्रेश एक बार जरूर आप लोग कर दीजिएगा, रिफ्रेश करिएगा तो अपडेट किया गया, ठीक है। तो आप नीचे आएंगे इस प्रकार से, और नीचे चले आना है, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे चले आएगा इस प्रकार से, आपका एग्जाम कब से कब है तो वो सारा चीज़ टू डी आई गया। आप नीचे आएंगे तो रूटीन जो बताया हूँ यहाँ पर देख लीजिएगा, क्लास इलेवंथ अक्टूबर लिखा हुआ, इलेवंथ के लिए है, तो ये इलेवंथ का आप रूटीन यहाँ से देख सकते हो। थोड़ा सा नीचे होगी, ये इलेवंथ का ही पूरा का पूरा समझाया गया है, और ट्वेल्थ का नीचे होगा क्लास ट्वेल्थ अक्टूबर। तो यहाँ पर आकर के आप अच्छे से रूटीन को डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और पेपर वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पर डाउनलोड करके इलेवंथ में और ट्वेल्थ में यहाँ पर करके डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।